अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल की नज़र अहम खबरों पर। भैंसा शहर कुंठा एरिया वाटर बेड में मौजूद अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था, जिस पर मोहम्मदिया नगर व कुंठा एरिया के नौजवानों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुँच कर उस टेस्ट को रुकवा दिया और ब्राह्मी जाहिर करते हुए जिम्मेदारान से सवाल किया कि किसकी इजाज़त की बिना पर यहां पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अगर हुकूमत की इजाज़त पर लिया जा रहा है तो इस तरह खुली जगह पर करना नाकाबिले कबूल है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाके के छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट खवातीन अपने छोटे छोटे अमराज मसाइल लेकर रुजू होते हैं। इलाके के नौजवानों का कहना है कि कोरोना टेस्ट में इस्तेमाल शुदा आलात को खुली जगह पर डाल दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत इस बीमारी को जानलेवा करार दिया है। महकमे सेहत को चाहिए कि तमाम तर बंदोबस्त करते हुए इलाके की अवाम के इल्म लाते हुए इस टेस्ट को अंजाम देना चाहिए था। इस वारदात को नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद के इल्म लाया गया, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने फौरी हरकत में आते हुए महकमे सेहत से रब्त पैदा करते हुए उस टेस्ट को बर्खास्त करवा दिया। ये टेस्ट बोलने के बावजूद भी नहीं रुका रहे, निर्मल के सामाजिक कारकुन जिन्होंने अपने खिदमात से अवाम और पार्टी के दिल में जगह बनाई। मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद मजहर को कैप्शन मेंबर मुकर्रर किया गया, जिस पर निर्मल सदर मजलिस सदर अजीम बिन यहिया ने सैयद मजहर को गुलपोशी व शालपोशी के जरिए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कौंसलर मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद उस्मान के अलावा मजलिस कारकुन मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इम्तियाज़ शेख फेरोज़ मोहम्मद अफजल इब्राहिम अब्दुल जब्बार मौजूद थे। वरंगल अर्बन इंचार्ज कलेक्टर एम हरिता ने एमजीएम हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और एमजीएम सुपरिंटेंडेंट हाल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टरों और मुलाजमीन को हिदायत दी के वो कोरोना मरीजों के साथ अपने रवैये को बेहतरीन बनाएं और तमाम तर सहूलियात फ्राहम करें। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर वो जिम्मेदारान से फौरी रब्त में आते हुए उस ज़रूरत को पूरा करें, और साथ ही हिदायत दी के मरीजों के अफराद ख़ानदान से भी हुस्ने सलूक से पेश आए। हाल ही में कुछ दिन कबल सदर मजलिस निज़ामाबाद एम ए फ़हीम ने कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर खानगी दवाखानों में भी इलाज की इजाज़त की मांग की, जिस पर रियासती विज़रा प्रशांत रेड्डी और एटाला राजेंद्र वज़ीर सेहत ने इस मांग को पूरा करते हुए खानगी दवाखानों में कोरोना इलाज की इजाज़त दे दी, जिस पर सदर मजलिस निज़ामाबाद एम ए फ़हीम ने रियासती विज़रा प्रशांत रेड्डी और एटाला राजेंद्र से इजहार तशक्कुर किया और अवाम से पुरखलुस गुजारिश की कि वह एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे। अगर किसी सूरत में नाजुक हालात दरपेश आए तो वह फौरी दवाखाना रुजू होकर अपनी जांच करवा ले। आज शिवानूर लंबाड़ी तांडा में कृषि कल्याणी अभियान मरहला 3 का आगाज़ हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेश्वर नायक के शिवा कृष्णा यू श्रीवानती बहैसियत तहकीकती आफिसर शिरकत की। इस प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि हम किसानों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फ्राहम करना चाहते हैं, जैसे मुर्गी पालन, फसल की बीज, मछली पालन, वर्मी बेड वगैरह बतौर सब्सिडी फ्राहम किया जाएगा, और कहा कि ऐसी सहूलियात हम मुस्तकबिल में भी अंजाम देकर किसानों को सहूलियात फ्राहम करेंगे। इस मौके पर मंडल फार्मर ऑफिसर जादवे यानवंत कुमार इसके अलावा आला होदेदार मौजूद थे।